दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबरें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, ऑब्जर्वर रहे मौजूद। त्यौहार के चलते मुख्य बाजार में है रौनक। रोड पर सजी है दिवाली सामग्री की दुकानें, वहीं पुलिस बना रही है यातायात व्यवस्था सुगम। और चुनाव व त्यौहार के मद्देनजर शांति व सद्भाव का संदेश दिया पुलिस बल के साथ मिलिट्री जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव के चलते माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर भवन में कर्मचारियों को विधानसभा वार प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में सभी विधानसभाओं में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी उपस्थित रहे। जो क्रियान्वयन है वो विधिवत वो कर रहा है कि नहीं, इस चीज का हमको माइनूटली ऑब्जर्वेशन करना है। मतदाता प्रकोष्ठ बना है वो बिल्कुल उसमें इस तरीके से है या नहीं कि मतदान की या मतदाता आपने जब भी वोट कर रहा है तो कहीं से भी उसकी गोपनीयता प्रभावित ना। उसका जो ईवीएम नंबर होता है उसके लास्ट फोर डिजिट्स उसको लिखने होते हैं। तो ये वैकल्पिक दस्तावेजों का उल्लेख 17 का रजिस्टर में अधिकारी नंबर 2 हमारे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस ये जो मतदाता सूची है जिन्हें प्रति उसके पीछे अगर मतदान केंद्र में इस तरह के मतदाता है तो उनकी लिस्ट है। अगर वो लिस्ट आपके मतदान केंद्र पर है जहां आपको ऐसे माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है तो जब इस तरह का मतदाता वोट करने आता है तो उसकी प्रक्रिया। पुरातत्व संग्रहालय में धन कुबेर की प्रतिमा स्थापित है। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की विशेष पूजा आराधना का महत्व रहता है। पुरातत्व के जानकार विदिशा विरासत ग्रुप की गोविंद देवलिया और विजय चतुर्वेदी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। धन के देवता कुबेर जी की जानकारी से अवगत कराया गया। मैं विजय चतुर्वेदी और प्रधान अध्यापक रहा हूँ। चतुर्वेदी बात कर रहे थे कुबेर जो देवता है क्या कौन से देवता है उनका क्या महत्व है और धनतेरस पर क्या महत्व होता है। कुबेर जो है वो धन संपत्ति के अधिष्ठाता माने गए हैं और ये माना गया है कि जितना भी धन संपत्ति की जो संपदा है विश्व में वो उसके अधिष्ठाता कुबेर हैं और इनकी पूजा जो है धनतेरस के दिन यहाँ का जो मणिक वर्ग है या जो धार्मिक आस्थाओं वाले लोग हैं वो इनको करते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि अगर कुबेर जी प्रसन्न हो जाए तो आदमी पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं। बहुत गोविंद देवलिया विदिशा में संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में काम करता हूँ। कल धनतेरस है उसका दोहरा महत्व है, एक तो धनवंतरी बैठक के हिसाब से दूसरा धन के देवता कुबेर के पूजन के साथ। आज हम यहाँ संग्रहालय में भाई कमर अखबार जी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमारे यहाँ कुबेर की विशाल काय प्रतिमा उपलब्ध है। देश में कुल 4 जगह ही कुबेर की प्रतिमाएं हैं, भरतपुर, मथुरा, पटना और विदिशा। और मैं समझता हूँ कि विदिशा की जो मूर्ति है सबसे ज़्यादा भव्य और विशाल है। इतनी बड़ी मूर्ति देश में कहीं भी नहीं है और ये एक और मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई थी ये जिसके पीछे हम लोग इसके सामने खड़े हैं। मेरे पीछे ये मूर्ति है यह भी कुबेर की ही मूर्ति। कुबेर भगवान का क्या महत्व, किस तरह की क्या पूजा पाठ होती है? कुबेर जैसा कि हमारी पौराणिक गाथाएँ बताती हैं कुबेर समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे जिसमें लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी कुबेर भी प्राप्त हुए। तो कुबेर लक्ष्मी के भाई भी माने गए हैं। और दूसरी बात यह है पौराणिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि वो
रावण के सौतेले भाई विश्व सरवर की जो ब्राह्मण पत्नी थी उनसे कुबेर पैदा हुए थे और जो राक्षसी कुल की केकसी थी उससे रावण पैदा हुए। तो ये धन धान के देवता हैं, इसलिए हम विदिशावासी यहाँ आकर जो कुबेर की प्रतिमा है वहाँ आकर पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से आप स्वर्ग में और पूरी दुनिया में धन धान की पूर्ति आपके कृपा दृष्टि से होती है, तो हम पर भी हमारे परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनी रहे, हम सब धन धान से। मेरा नाम रंजन लाल अहरवाल, किस विभाग में पदस्थ हैं? जिला पुरातत्व संग्रहालय में हाई ग्रेड 3 के पद। यहाँ पर जो कुबेर महाराज जी की बड़ी प्रतिमा है, क्या महत्व है, कहाँ से थी और कितने फिट की है? कुबेर की प्रतिमा लगभग 12 फिट की है, बैसनगर से प्राप्त हुई थी, संग्रहालय में ही रखी है। क्या महत्व दीपावली को है? दीपावली धनतेरस के दिन अपने विदिशा नगर के जो व्यक्ति आते हैं थोड़ी पूजा करके चले जाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर नगर के मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में दुकानें सजी हैं। छोटे व्यापारियों द्वारा मां लक्ष्मी पूजन की सामग्री सहित अन्य दुकानें साज सज्जा की लगाई गई हैं। वहीं बाजार में रौनक नजर आ रही है। वहीं चार पहिया वाहनों को प्रतिबंधित भी किया गया है, लेकिन कुछ लोग फिर भी वाहन ले जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था बनाने के लिए यातायात प्रभारी मुख्य मार्ग में लोगों को समझाइश दे रहे हैं। वहीं CSP राजेश तिवारी से इस विषय पर हुई चर्चा। दीपावली का एक पर्व है, उस पर किस तरीके का यातायात व्यवस्था के तरीके का डाइवर्ट किया गया? अभी शहर में दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए मुख्य बाजार में ट्रैफिक की व्यवस्था लगाकर डाइवर्सन किया गया है और जो सराफा बाजार है उसमें राइफल गार्ड वगैरह के साथ पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और तिलक चौक से और निकासा तक प्रतिबंध रहेगा फोर व्हील थ्री व्हीलर के लिए और उसके बाद पर ये अपने बाल विहार से माधवगंज तक का प्रतिबंध रहेगा। इतने में केवल टू व्हीलर ही चलेंगे और जिनको रोड क्रॉस करना है वो बाल विहार का है, कोतवाली के बाजू निकासा से होकर है, ये रोड चालू रहेंगे जिससे आवागमन हो सकता है। और व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन किया है कि सभी व्यापारी लोग अपना जो भी माल लोडिंग अनलोडिंग करना है वो दिन में 12 बजे के पहले कर लें या फिर रात में फिर लेट नाइट जब भीड़ कम हो जाती तब करें। और दुकानदारों से भी अनुरोध है अपनी दुकान के सामने जो भी टू व्हीलर्स वगैरह खड़ी होती है उनको व्यवस्थित
एक कर्मचारी लगाकर उनको व्यवस्थित खड़ी कराए, जिससे आगामी त्यौहार में जो भीड़ एकदम से अधिक होगी उसमें प्रॉपर व्यवस्था अपन कर सके। बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के चलते नगर के वरिष्ठ दुकानदार व व्यापारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने सभी से अपील की है कि अपने ही क्षेत्र से दिवाली पर खरीदारी करें, लोकल व्यापारी से ही दिवाली की खरीदारी करें, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा ना दें। दिवाली की त्यौहार है और इसमें ऑनलाइन बाजारी की जा रही है, तो लोकल व्यापार पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? लोकल व्यापार पर 50% का प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार में क्या हो गया है, विदेशी कंपनियाँ अपना ऑनलाइन माल बेच रही हैं जो कि हमारे सिस्टम के विपरीत है, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार उनके लिए चालू किया गया था जो विकलांग घर पे रहते थे, उनके लिए ऑनलाइन व्यापार चालू किया गया था, और ये विदेशी कंपनियों को साल भर का 1% ब्याज पर पैसा मिलता है और हम लोगों को बैंक हर महीने 10% का ब्याज भरना पड़ता है, जो कि हम 9% रेट से देते हैं, और इसके बाद ये अपने ग्राहक को बढ़ाते हैं, ग्राहक बढ़ाने के बाद और जो कैपिटल कम करते हैं तो वहाँ अपना नुकसान दर्शा के उसकी पूर्ति करते हैं ये लोग। और हमारे खुदरा व्यापारी जो वर्षों से जब कोविड काल में जब संकट में था हमारा देश, तब हमारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर जान जोखिम में रखकर व्यापार लोगों तक माल पहुंचाया, और ऑनलाइन व्यापार कहां था उस समय। आज हम सभी व्यापारी भाई शहर के लोगों से उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि शहर का व्यापार शहर में ही रहने दीजिए, शहर में रौनक रहेगी, व्यापार बढ़ेगा, इसमें आपके संबंध बनेंगे, तो व्यापारी एक ऐसा समुदाय है हर सभी समुदायों को सामान बिक्री करके उनके घरों तक पहुँचाता है और एक मेल मिलाव रहता है, तो शहर में रौनक रहेगी तो व्यापार बढ़ेगा, शहर का व्यापार शहर में ही रहेगा। बाजार के बारे में क्या कहें, किस तरीके का शहर में नुकसान है बाजार में? ऑनलाइन व्यापार से सबसे ज़्यादा नुकसान मध्यम वर्ग दुकानदारों को है, जो सुपर स्टॉक से माल ला के बेचते हैं उसके उसमें मुनाफा कर रहे हैं, लेकिन सुपर स्टॉक से भी कम रेट में माल और डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंच रहा है, जिसके बीच का मार्जिन है जो कंपनी ऑनलाइन वाली अपने पास रख के ना रखते है, और जो मार्जिन आता है वो दुकानदार का कम हो जाता है, उससे ऑनलाइन से दुकानदार को नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन से उपभोक्ता का भी कोई कोई ना कोई नुकसान तो होता है। उपभोक्ता का नुकसान ये होता है कि सर एक तो उसको क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं रहता, कई बार पैकेटों में आता कुछ कहीं साबुन गिट्टी निकल जाती है मोबाइल के नाम पे, कहीं कुछ कचड़ा निकल जाता है, और GST का काफ़ी सरकार को भी GST का नुकसान है, बिल किसी का नाम से आता है, आज ये सपोज करी मैंने ही कई बिल आना चाहिए थे अमेजोन से, लेकिन कहीं बीना के नाम से बिल आ रहे हैं, कहीं बाजदाई पार्टी के नाम से बिल आ रहे हैं, तो इसमें जो रेवेन्यू होता है जैसे ईवे बिल होता है 1 लाख से ऊपर का ईवे बिल लगता है, तो ईवे बिल बजाने के चक्कर में मिला के गलत है ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन व्यापार गलत है, मध्यम वर्ग को काफ़ी नुकसान है, जो गली में छोटे छोटे व्यापारी बैठे हैं वो आज हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। दिवाली के अवसर पर ऑनलाइन बाजार से क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? ऑनलाइन रेट बहुत काफ़ी कम मिल जाते हैं कस्टमर को, यहाँ पे रेट बहुत तेज रहते हैं। क्या कारण रहता है कम मिल जाते हैं? कम मिल जाते हैं, विदेशी कंपनी जो है डायरेक्ट व्यापार करती है, और हम लोगों को 10 जगह GST वगैरह पे करके फिर पेमेंट देना पड़ता है, थोड़ा रेट तेज हो जाता है। चुनाव को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है। वहीं बुधवार को देर शाम को नगर के मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर में शांति व सद्भाव का संदेश बनाए रखने का संदेश फ्लैग मार्च के माध्यम से सभी को दिया गया। फ्लैग मार्च में DSP महिला प्रकोष्ठ प्रतिभा शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट 12वीं बटालियन कृष्ण कुमार, थाना प्रभारी आशुतोष सिंह राजपूत, महिला थाना प्रभारी उर्मिला सिंह सहित पुलिस बल के साथ SSB 12वीं बटालियन 732B कंपनी शामिल रही।
क्या उद्देश्य था इसका? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एरिया डोमिनेशन के लिए कल फ्लैग मार्च शहर में निकाला गया था, जिसमें SSB की टीम और जिला पुलिस बल का संयुक्त रूप से थाना शिविर लाए कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपराधियों में भय पैदा हो और आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सके और शांति पूर्वक निष्पक्ष चुनाव हो सके, इन सब घर घर में दिवाली का त्यौहार खुशहाल तरीके से मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना होती है। दिवाली त्यौहार के चलते मंडी में फूलों की भारी आवक हो रही है, 20 रुपए किलो फूलों का बिक्रय हो रहा है। वहीं बड़ा बाजार क्षेत्र में फूल मालाओं और डेकोरेशन की दुकानें सज रही हैं। वहीं धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते फूलों की डिमांड शहर में लगातार बढ़ रही है। पूरी मंडी में फूलों की महक और खुशबू व्याप्त हो रही है। क्या नाम है और कहाँ रहते हो? हम भक्तरिया में रहते हैं और दुर्गा प्रसाद कसवा हमारा नाम है। हाँ। और ये जमीन दौलतपुरा एरिया में है। अच्छा अच्छा बाबा, तो बाबा जी आपने फूल बोए हैं, कितने बीघा में बोए हैं? हमने एक बीघा में लगाया था फूल। ये तो क्या स्थिति है फूल की? इसमें फूल हुआ अच्छा, सब कुछ हुआ, लेकिन पानी गिर गया तो नुकसान हुआ और भाव भी नहीं मिला इस साल, मतलब कुल मिला घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जा रहे हैं। हाँ। बाबा जी फूल आपने किस लिए लगाया था? दीपावली को देख के? हाँ, दीपावली के और नवदुर्गों के लिए देख के लगाया था, तो नवदुर्गों में फूल नहीं पाया। अच्छा, दिवाली पे फूल आ अभी तो अब फूल बिक नहीं रहा, मंडी में सस्ता, नवदुर्गों में सस्ता था। अभी क्या भाव जा रहा है फूल आपका? अभी 10-15 रुपये किलो जा रहे हैं। दीपावली में क्या एवरेज चला जाता है? दीपावली में साहब बाहर के फूलों पर निर्भर करती है। क्या बाहर से? हाँ, बाहर से फूल आएगा, मिट्टी कट जाएगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, लोकल में फूल हुआ है कि नहीं हुआ अभी? लोकल में फूल हुआ है, लेकिन नाम मात्र का हुआ है। अच्छा अच्छा, अपने विधि आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि सही MT न्यूज। नमस्कार।